अब हम सरपंच बन गए, इसका मतलब यह नहीं कि कोई कल्याण जी आनंद जी या लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी सरपंच बन गई हो। दरअसल सरपंच का चुनाव तो मेरी लुगई जीती थी पर सरपंच हम बन गए थे। आपके यहाँ पे भी ऐसा ही होता होगा, किसी की पत्नी जीतती है और पार्षद महोदय वो कहलाते हैं। तब मुझे अधिकारियों ने एक नई डेजिग्नेशन दी, रणजीत सिंह जी राणा सरपंच पति। तब मुझे ऐसा लगा कि वास्तव में किसी का पति भी हूं, क्योंकि जब तक अधिकारी नहीं कहते अपन मानते ही नहीं। इन 10 सालों में हमने खूब विकास किया, एक नया मकान बना लिया, जमीनें खरीद ली, आपके यहाँ पे भी विकास ऐसे ही करते होंगे नेता लोग। मैं तो अतुल भाई तुम्हें बताना चाहता हूँ, हमारे जो विधायक महोदय हैं, हाँ, उन्होंने हमें एमएलए लेट दिया, बोले विकास करना एमएलए फंड से, तो मैंने उनके एमएलए फंड से ऐसी ऐसी जगह पुलिया बना दी जहां नाले थे ही नहीं। वो तो लोगों ने इस बार हरा दिया, नहीं तो नीचे से अब के नाले भी निकाल देता मैं। इन 10 सालों में बहुत आनंद आए, पर आजकल तकलीफ आती है, और तकलीफ इतनी सी है कि आज भी हमारे गांव वाले में सम्मान देना नहीं भूलते हैं। छोटी मोटी कोई प्रसादी हो, कार्यक्रम हो, खाना पीना हो, तो हमारे घर तक उनका कार्ड आता है, बड़ा सम्मान देते हैं, नाम के पीछे डेजिग्नेशन लगाना नहीं भूलते हैं, रणजीत सिंह जी राणा भूतपूर्व सरपंच के पति। पर अभी 3 दिन पहले मेरे घर पे एक कार्ड पड़ा था, मैंने उसे पढ़ा तो मुझे बड़ा आनंद आया, आप तक तो उस कार्ड को पहुंचाता हूं। उस कार्ड पर लिखा था रणजीत सिंह जी राणा, लिखना चाहिए था भूतपूर्व सरपंच के पति, और पट्टे ने लिखा रणजीत सिंह जी राणा सरपंच के भूतपूर्व पति। तो ऐसी स्थिति है मेरी राजनीति की। तो और आपको विशेष कुछ नहीं बताना चाहता हूं, व्यक्तिगत बात में एक परिचय और देना चाहता हूं कि मैं जाति से राजपूत हूं, और राजपूत होने का मतलब आप अच्छी तरह से जानते हो कि राजपूत दुनिया की सबसे बोली जाति होती है। इतनी सहज, इतनी बोली जाति दूसरी कोई होती नहीं। हम तो इतने बोले लोग होते हैं कि कोई प्यार से सम्मान से कोई 2 देसी के पव्वे फंसा दो और फिर किसी भी काम पे मैं लगा दो, फर्स्ट क्लास एवरेज देते हैं 1 लीटर में 60 किलोमीटर। ये हमारे राजस्थान में होता है, अब आपके मध्य प्रदेश में तो राजपूत कैसे मैं उन्हें नहीं जानता हूं, पर हम दूसरे के काम में अपना टांग लड़ाते बराबर। एक आरोप हम पे है, हमें गुस्सा बहुत आता है, और इस आरोप को मैं भी मानता हूं कि वास्तव में वो बहुत तीव्र गुस्सा आता है, जब भी गुस्सा आता तो मैं बहुत तेज गुस्सा आ जाता है। वो अतुल भाई मैं बताना चाहता हूं गुस्सा में कैसे आता है, और जब गुस्सा आ जाता तो हमें कोई संपट नहीं पड़ती कि हम क्या कर रहे हैं। अभी कल की बात है, मेरे घर के बाहर कोई शरारती तत्व ने चौक से लिख दिया था, मेरे घर के बाहर किसी शरारती तत्व ने चौक से लिख दिया था ये पढ़ने वाला गधा है। मैंने पटार, मुझे गुस्सा आया, बहुत तेज गुस्सा आया, मैं अंदर गया, एक कपड़ा लाया, एक चौक लाया, उसको मिटाया और वहां पे लिखा ये लिखने वाला गधा है। तो हमें संपत्ति ही नहीं पड़ती गुस्से में, ठीक। इसलिए मैं आपसे कहता हूं हम बहुत बोली जाती के लोग हैं, पर एक आरोप हम पे लगा कि हम राजस्थान के राजपूतों ने युद्ध बहुत लड़ा, यहां से चालू हो जाता है, युद्ध बहुत लड़ा है। तो मैं केवल बताना चाहता हूं यदि हमने युद्ध भी लड़े तो हमने उन युद्धों से परिणाम निकाले, और परिणाम कैसे निकले कि केवल युद्ध नहीं लड़े, अब कविता शुरू करता हूं मेरे साथ होना क्योंकि समय बहुत कम है, कि केवल युद्ध नहीं लड़े हमने, केवल युद्ध नहीं लड़े हमने, इतिहास को भी मोड़ा है, केवल युद्ध नहीं लड़े हमने, इतिहास को भी मोड़ा है, और बाबर हुमायूं अकबर के दंभ को निचोड़ा है। वाह वाह, केवल युद्ध नहीं लड़े हमने, इतिहास को भी मोड़ा है,
और बाबर हुमायूं अकबर के दम को निचोड़ा है। हमने सीने पे गाव सा, पीठ में एक खरोच नहीं। अरे मातृभूमि के लिए लड़े कटे, हमको कोई अफसोस नहीं। हम अडिग रहे, हम झुके नहीं, कितने ही सम्मानों से। अरे घास की रोटी ऊंची मानी हमने गरिष्ठ पकवानों से। हम अडिग रहे, हम झुके नहीं, कितने ही सम्मानों से। अरे घास की रोटी ऊंची मानी हमने गरिष्ठ पकवानों से। इसलिए राष्ट्रभक्ति की खुशबू आती है, इसलिए राष्ट्रभक्ति की खुशबू आती है उस मेवाड़ी माटी से। और स्वाभिमान क्या होता है, सीखो हल्दी घाटी से। वाह स्वाभिमान क्या होता है, सीखो हल्दी घाटी से। स्वाभिमान क्या होता है, सीखो हल्दी घाटी से।